तो बिटकॉइन के अंदर इम्प्लिसिट कॉन्सेंसस अचीव होता है, वो होता कुछ इस तरीके से है कि इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं हर ब्लॉक के लिए। एक रैंडम नोड जो है सेलेक्ट होती है और वो प्रपोज करती है नेक्स्ट ब्लॉक इन द चेन। वो ये बताती है कि ब्लॉक चेन में अगला ब्लॉक कौन सा लगेगा। अगर वो गलत बताएगी तो ऑब्वियसली वो डिटेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक रूल्स। तो यहाँ पे कोई कंसेंसस एल्गोरिथम नहीं होता कि कौन सा ब्लॉक सेलेक्ट किया जाएगा, कोई वोटिंग नहीं होती। और जो नोड सेलेक्ट होती है रैंडमली वो प्रपोज करती है कि नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा होगा। अगर नोड मेलिशियस भी हो तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा, बाकी नोड जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे और वो ये डिसाइड करेंगे कि जो अगला जो आगे का ब्लॉक चेन है वो इसके टॉप पे बनना चाहिए, उसकी बेस के ऊपर हम आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपनी एक्सेप्टेंस को बताते हैं बाकी लोगों को, अगर वो ब्लॉक करते हैं तो अगर वो कहते हैं कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम इस ब्लॉक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो अपने प्रीवियस ब्लॉक की बेस के ऊपर अपने ब्लॉक चेन को एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंसेंटिव का मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो है हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि कोई नोड मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म ना करे। ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है, तो जो नोड प्रपोज करती है, जो कहती है कि जो है अगला ब्लॉक कौन सा होगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। वो ब्लॉक के साथ जो है एक स्पेशल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें जो है वो अपनी एड्रेस देता है, जिसके ऊपर जो है एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के थ्रू उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो उस नोड को पेमेंट होती है इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विस ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लॉक ऑन द कंसेंसस चेन। तो ब्लॉक का रिवॉर्ड जो है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है टाइम के साथ। हर 210,000 ब्लॉक के बाद जो है रिवॉर्ड कट होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है। इसके साथ दूसरा इंसेंटिव मैकेनिज्म जो है वो ट्रांजैक्शन फी है। The creator of any transaction can choose to make the total value of the transaction output less than the total value of its inputs. तो जो transaction create कर रहा है वो भी जो है कुछ transaction fee pay करता है। और जो बंदा भी जो है, जो भी node जो है, जो mining node जो है, वो ट्रांजेक्शन को ब्लॉक चेन के अंदर पहले लेकर आएगा, उसको जो है ट्रांजेक्शन फी मिलेगी। तो दो तरह के इंसेंटिव्स हैं, एक तो जब वो माइनिंग कर रहा है ब्लॉक को लेकर आ रहा है, माइनिंग करने की वजह से जो है उसको जो है इंसेंटिव मिल रहा है, और दूसरा इंसेंटिव जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी फ़ी मिल रही है।